सराज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि गाइस सराज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं स्टीम इंजन, जो कि गाइस फुल्ली गैस से चलेगा और यहाँ पर हमको एनर्जी भी देगा। तो गाइस यहाँ पर हम कुछ इस टाइप में बनाने वाले हैं, जिस टाइप की गाइस आपको पूरे यूट्यूब पर इस टाइप में वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। इस इंजन से गाइस यहाँ पर हम एसी और डीसी दोनों करंट को लेने वाले हैं। तो गाइस सर वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो गाइस सर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा पूरा सिस्टम बनके कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हमने एक डीसी 12 वोल्ट की मोटर लगाई है और यहाँ पर अल्टरनेटर लगाया है, यानी कि गाइस यहाँ पर हम इससे हम डीसी करंट लेंगे और इससे हम एसी करंट लेंगे। यहाँ पर गाइस हम दोनों करंट को लेने वाले हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सिंपली एक्सटेंशन बोर्ड कनेक्ट कर दिए हैं और यहाँ पर गाइस यहाँ पर हमने डिस्क का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर इंजेक्शन का, ताकि गाइस यहाँ पिस्टन का काम करेगा, क्योंकि गाइस हमने सीधे ही इस पाइप के जरिए यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं इस कुकर के ढक्कन से कनेक्ट कर दिए। यहाँ पर हमारे पास इंडक्शन है जो कि हमारा स्टीम बनाने का काम करेगा और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हमने बोर्ड लिया है जो कि यहाँ पर इंडक्शन को पावर सप्लाई करेगा और आप देख सकते हैं गाइस ये उसकी वायर है सीधे पावर सप्लाई में गई हुई है और आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हमने कोई भी एक्स्ट्रा वायर को कनेक्ट नहीं कर रखा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली इस मोटर की वायर है और यहाँ पर ये अल्टरनेटर की वायर है। यहाँ पर हमें डीसी सप्लाई देनी होगी, यानी बैटरी ये वर्क ही नहीं करता। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ इस टाइप में हमारा सेटअप है। आप देख सकते हैं सिंपली यही हमारी वायर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सीधे इस बोर्ड से कनेक्ट कर दी है, जहाँ पर हम आउटपुट 220 वोल्ट लेंगे और यहाँ पर ये है बैटरी की वायर, इसका भी चेक करेंगे क्या ये वोल्टेज देती है नहीं। तो चलिए गाइस सब कुकर को ऑन करते हैं, इंडक्शन को यहाँ पर चालू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चालू हो चुका है, इसके ढक्कन को बंद करते हैं और फिर स्टीम बनना स्टार्ट। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसके ढक्कन को बंद कर दिया, यहाँ पर हम इसे ऑन कर देते हैं। आप देख सकते हैं ऑन हो गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीधे ही पाइप इससे कनेक्ट है। तो चलिए गाइस इसे थोड़े स्टीम होने का वेट करते हैं, जब गैस बन जाएगी तब देखेंगे इस क्या ये हमारा वर्क करता है या नहीं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ही हमारा इंजन चालू हो गया, यानी कि वहाँ से गैस आनी स्टार्ट हो गई और यहाँ पर ही हमारा इंजन चालू हो गया। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर कोई भी वायर कनेक्ट नहीं है, तो चलिए आपको थोड़ा पास से दिखा देते हैं।
सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वायर कनेक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फैन की दो वायर हैं, यहाँ पर भी गाइस हम इस टाइप में बल्ब को जला के देखेंगे गाइस क्या जलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी वायर कहीं भी कनेक्ट नहीं है। तो चलिए गाइस सबसे पहले इसी में बल्ब जला के देख लेते हैं। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों बल्ब हमारे काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी हमारा काफ़ी अच्छे से जल रहा है। और गाइस यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है, आप देख सकते हैं इस वाले वायर में। और गाइस यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कोई भी अदर वायर नहीं जोड़ी, ये सिंपली गाइस इसी एक्सटेंशन बोर्ड में गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी दो वायर हैं और यहाँ पर हमारा 9 वोल्ट का बल्ब है जो कि अच्छे से जल रहा है। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जब हम इसको जलाते हैं लेकिन गाइस यहाँ पर इसकी स्पीड थोड़ा स्लो हो जाती है क्योंकि गाइस यहाँ पर लोड पड़ता है, इसकी वजह से गाइस यहाँ पर इसकी स्पीड थोड़ा लो हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसको भी जला सकते हैं, आप देख सकते हैं कोई भी एक्स्ट्रा वायर गाइस हमने नहीं लगाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा सिस्टम काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो चलिए गाइस यहाँ पर है हमारे पास फ़ोन, तो इसे भी चार्ज करके देख लेते हैं क्या ये गाइस इससे चार्ज होता है या नहीं। तो सिंपली यहाँ पर हमने इसे लगा दिया और देखते हैं गाइस क्या ये हमारा चार्ज होता है या नहीं। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर ये फ़ोन स्विच ऑफ ऑन हो गया, यानी कि गाइस यहाँ पर हमारा फ़ोन भी चार्ज होने लगा। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर ये हमारा फ़ोन भी चार्ज होने लगा, यानी गाइस ये हमारा सिस्टम है जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा सिस्टम काफ़ी अच्छे से चल रहा है। अब हम बल्ब को खोल देते हैं। गाइस आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर ये भी बंद हो चुका है, यानी गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर गैस आनी थोड़ा कम हो गई। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ कुकर से भी गैस निकलना बंद हो चुकी है, यानी गाइस हमारी स्टीम है जो ख़त्म हो चुकी है। फिलहाल गाइस इसमें एक प्रॉब्लम थी गाइस, यहाँ पर ये ज़्यादा हीट नहीं कर पा रहा था इसको, इस वजह से गाइस ये हमारा सिस्टम है जो कि थोड़ा स्लो चल रहा था। लेकिन गाइस ये हमारा वर्क जो काफ़ी अच्छा किया। आप यहाँ पर गाइस अगर गैस का इस्तेमाल करेंगे तो और भी अच्छी यहाँ पर हमको पावर देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है गाइस ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर गाइस हमने आपको सब कुछ रियल दिखाने की कोशिश की, यहाँ पर गाइस कुछ भी हमने फेक नहीं रखा था, आप अच्छे से वायरिंग सारी की दिखाएँ। उम्मीद है गाइस ये वाली वीडियो आपको पसंद आई तो गाइस यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए गए सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं इसी तरह की धमाकेदार वीडियो में।